मेरा नाम आसिम इजाज इजाज साहब है। तुसी सुप्रीम कोर्ट ने 8 तरीक दा फैसला किया है इलेक्शन दा, इहदे बारे दसो कि किन सपोर्ट कर रहे हो, नवाज शरीफ ने कि इमरान नूं? दरअसल ना सपोर्ट करन दा कोई फायदा नहीं हैगा इहनां नूं, सपोर्ट करन दा तद करके फायदा नहीं हैगा क्यों इमरान खान दी हुकूमत दे विच नवाज शरीफ नहीं आया। ओह इक वकील हैगा सी, नाम नहीं आ रहा मैनूं, उन्हें वकील ने कहा कि अगर इमरान खान की हुकूमत नवाज शरीफ आई है ना तो मैं अपना अपना जरा वकालत है ना मैं छड़ दाँगा। तो वो गल हकीकत सच हुई है कि उन्हें वकालत अपनी ओरी कायम रही है, तो इमरान खान के दौर नवाज शरीफ नहीं आया क्यों पिछले सियासतदान है ना जेडे ऐस एम नवाज शरीफ चोर है भावें इमरान खान है, ऐस एम साड़ी पार्टी ऐसे ना मुल्क बचाने वास्ते ना कोई ऐस एम कोई अगे नहीं हो रहा ना कोई फलस्तीन के अंग लगी है। निगरान हुकूमत कुछ कह नहीं सकते असी, निगरान हुकूमत कोई कह नहीं सकता कि तुसी साडे वास्ते करो मदद। इस टाइम कोई या इमरान खान वास्ते कोई निकले या नवाज शरीफ वास्ते कोई निकले तो उस टाइम तो उन्होंने फड़ लेंदे ने, हुण डरदे इस टाइम नहीं। नवाज शरीफ निकले उन्होंने नहीं फड़दे, नहीं इमरान ने आल जड़े ना उन्होंने फड़दे वो क्यों कि 9 मई का जो वाक्य होया ना 9 मई का वाक्य और इस टाइम इमरान खान चाहे ना एक आवाज लावे तो वाम हले भी निकल सकती है जलसे वास्ते और बड़ा उच्च एस एम एटीट्यूड है हर एम पी एम एन ए वेखो कि सड़कों के उस टाइम एम पी एम एन ए आते हैं जिस टाइम कोई वोट लेना हो कोई गल करनी होने चाहे नवाज शरीफ का चाहे पी टी आई का चाहे और बेनजीर का। देखो ना जिस तरह सुप्रीम कोर्ट वाला ऐलान होया ते असर कैसर नु उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी हाँ जी वो पता चलिया रात मैं फेसबुक से भी देखना से उन्होंने भी गिरफ्तार करने की कोशिश की है फवाद चौधरी नु भी कर लिया। हाँ जी उन्होंने भी किया वे ते लेकिन यह वे कि है ने एम पी एम एन ए फौज पुलिस उन्होंने दी है ठीक है उन्होंने थोड़ी देर असर अंडरग्राउंड करके उन्होंने जेल बंद कर लेना कि असी कर लिया जी कर लिया कर लिया कर लिया उस बाद इन्होंने देखना कि अच्छा गल ठंडी हो गई है तो उन्होंने दस्ती बार कर देना। वेखो पाकिस्तान बनने में कितनी देर हो गई है, पाकिस्तान 75 साल तो 75 साल हो गए हैं ठीक है। नवाज शरीफ कितनी देर तो जितता आ रहा, इमरान खान हूँ आया एक बारी ठीक है। दूजी गल ए वे कि एस एम एम पी एम एन ए भी उही ने, एम पी एम एन ए भी उही ने, उधर भी उस पार्टी भी उधर जाते हैं उस पार्टी भी उधर है तो मैं यह दसो करप्शन करने वाले कह रहे हैं एम पी एम एन ए यही करते एम पी एम एन ए जिन्हे तिकर साढ़े मुल्क के एम पी एम एन ए जिन्हे तिकर बदले नहीं ना जाएंगे मुल्क किसी जगह तेना स्टैंड नहीं हो सकता, गिरदार साढ़े ज़्यादा आई नहीं। हूँ देखो कितनी अफसोस की गल है कि फलस्तीन के हज़ारा लोग शहीद हो गए ने हो रहे हैं तो असं लोग इतने जश्न बहारा मना रहे हैं वही मैं देख रहा हाँ हालांकि एटमी ताकत है सी एशिया की दूसरी पावर है वो बावजूद जनाबली असं अपना इंजॉय कर रहे हैं। कुरान जी के लिखा गया वे कि मुसलमान पहले होंगे जलीलो खुआर, मुसलमान होंगे पहले जलीलो खुआर, लेकिन एक दिन वो टाइम आएगा कि मुसलमान यहूदियों के काफर के असी सपोर्ट एक जान हो गए ना असं लड़ा तो अपने इस्लाम को कायम करा तो इंशाला जल्द एस एम 2024 के इंशाला अल्लाह के हुक्म इसराइल असं फतह करके रवेंगे। आमीन आमीन क्यों नहीं लेकिन थोड़ी सपोर्ट तो करनी बनती थी ना इंशाला अगर पाकिस्तान वालों इजाजत मिलेगी कि जंग के जाने तो सब तो पहले असं आप हाजिर असं आप जरूर होवेंगे तो गल नहीं है अलहमदुल्ला असं जावे अपनी जानों कुर्बान करा और अलहमदुल्ला असं जावे अपनी जानों कुर्बान करा और अगर जी असी एक बंदा ना एस एम मुसलमान एक बंदा तो काफर 10 बंद उत्ते भाड़िए गया तो लेकिन असं कुछ किया नहीं हाले तक लेकिन एस एम ना हुकूमत किसी पास लगती नहीं पी हुकूमत जिंदे तिकर अपनी शहन अपना नहीं ना जिंदे तिकर बाहर दूमत है दूसरे जिन्होंने लैके जेडे इन्होंने लैके आते हैं जिंदे तिकर ए उन्होंने साथ छदन ना उनके तिकर हूँ ए हो मुसलमान एक पेज से कट्ठा मुसलमान एक पेज से कट्ठा होने वेख दे कि कोई काफर या यूदी मुसलमान हाथ ला के सा पा सकता है। अच्छा फिर हम कि सपोर्ट कर सपोर्ट तो इस तरह इस टाइम ना मेरा जो जहन है ना तरीके लभे कलिया ठीक है लेकिन क्योंकि उन्होंने भी एक बार मौका देना चाहिए तरीके लभे कलिया देना चाहिए लेकिन इस टाइम ना ज्यादा जरा नवाज शरीफ है ना इस टाइम हुकूमत ओड़ी है। हाँ जी हुकूमत ओड़ी है निगरान हुकूमत बी टीम है। हाँ जी हुकूमत भी ओड़ी है तो अगो हूँ जो अगले 5 साल आने ना नवाज शरीफ ने ही आना आना नवाज शरीफ ने ही है क्यों जो मुआवजे हो गए उन्होंने आए ना उन्हें नवाज शरीफ ने ही लियाना है जिरी वजह तो आया गया वे आंदे सारी जे केस ने केस भी माफ हो गए हैं तड़े आम जो बंद ने हूँ जो बंद खलोते ने आम बंद कोई जेल या कोई पुलिस वाला पैसे दे के छड़ दे ठीक है। दूसरी गल मैं कई पुलिस वाले वेखे ने तो कई पुलिस वाले ने मैं वेख्या भी है कि रेहड़ियाँ तो फल वेच रहे हैं अच्छा एक दर्जन केले पवाया कि फल फुल फड़िया खा खो लिया तो हो गए इस तरह आवाम के कित होंगे साड़ी घूम
आ रहा डाउट सिर्फ के पुलिस बदनाम हो रही है ना, देखो ना जेडे विच बंदे ने कई बंदे है नी सारी फोर्स ने कुछ बंदे ने 100 दे विचों तकरीबन इस टाइम 20 तो 25 बंदे ने जेडे इस ना इस टाइम है गलबात करदे पे ने काम करदे पे ने थोड़े ने 20 25 भी नहीं है 4 5 बंदे ने नहीं 4 5 नहीं तुसी कह सकदे 100 दे विचों तकरीबन 20 बंदे तुसी कह सकदे 20% 100 दे विचों 20% कह सकदे तुसी इस टाइम मुल्क नु बदनाम करन वाले आ बंदे ने ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਖੋਲਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ